तो नमस्कार प्रिय साथियों, मैं टी कुमार आप सबका अपना YouTube चैनल जीएसटी बाय टी कुमार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों फिर आज हम सब एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक के आधारित ये वीडियो है। जो हमारे देश के नीरज चोपड़ा है वो स्वर्ण पदक जीते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे और कुछ हम टोक्यो ओलंपिक की जानकारी लेंगे। तो दोस्तों जितने भी इसमें क्वेश्चन बताए गए सो सब वीवीआई क्वेश्चन सब है, टोटल वीवीआई क्वेश्चन सब है, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करके वीडियो को अंत तक देखें। देखिए हमारे देश जो है जनसंख्या में तो वो बहुत अधिक है, विश्व में दूसरा स्थान है, बट यहाँ की जो लोग है ना वो उतना ओलंपिक खेलों सब में मायने नहीं रखते हैं। जबकि बहुत बड़े बड़े देश सब अमेरिका, चीन, ये सब ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब क्या है विकसित देश सब, ये सब ओलंपिक खेल में बहुत रुचि रखते हैं। यहाँ पे तो है जो गाना एक ट्रेंडिंग में आया बस उसके पीछे जितने भी नेता होता, जितने भी सेलिब्रिटी सब लग गए, जान तू मेरी जाने मन, बस ये गाना एक बच्चा गया था मालूम होगा एकदम उसके पीछे सब लगे लगे, प्रधानमंत्री ने वहां का जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो फोटो खिंचवाने, तो सब एकदम फोटो वोटो इधर उधर सब खिंचवाने में लगे हैं। तो दोस्तों वहीं अगर कोई ओलंपिक जीत गया है अगर उसके साथ अगर हम फोटो खिंचवाते हैं तो वहाँ की जो जनरेशन है, वहाँ की जो बच्चा है उससे प्रभावित होकर वो भी ओलंपिक खेलों खेलकूद में ज़्यादा रुचि रखेंगे। और जो बच्चे के साथ फोटो खिंचवाते हैं तो बच्चा का मानसिकता क्या होगा, उसका भी मानसिकता यही होगा कि हम भी गाना गाएंगे, हम भी फेमस हो जाएंगे, और वो इधर ना मेहनत करके वो दूसरा क्षेत्र में मेहनत करने लगेंगे। तो दोस्तों हमें देश में देश का नाम नहीं बनाना है, हमें विश्व में देश का नाम बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक खेल, तो इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो इसका जन्म आपको 24 दिसंबर 1997 को कहां हुआ था, पानीपत, जो कहां हरियाणा, हरियाणा में इसका जन्म हुआ था, पानीपत हरियाणा में। इनका जो पिताजी है क्या, नीरज चोपड़ा के जो पिताजी है उनका क्या नाम है, तो सतीश कुमार है। ये भी एग्जाम में आपको बहुत पूछेगा तो ये इसको भी याद करके रखिए, क्या नीरज चोपड़ा का पिता का नाम क्या है, सतीश कुमार यहां नजर आता होगा आपको। उसके बाद माता, इनका जो माता है नीरज चोपड़ा का, उनका माता का क्या नाम है, सरोज देवी इनका माता का नाम है। और जो इनको सिखाते थे जो कोच होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पढ़ते हैं तो आपका टीचर है, तो एक तरह से वो आपकी कोच है, तो उसी प्रकार जो नीरज चोपड़ा का कोच था वो कौन था, नसीम अहमद। इनका कोच कौन था, नसीम अहमद। यहां तक तो देख लिया, हम देखिए आगे देखते हैं नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है, तो सबको मालूम है कि वो स्वर्ण पदक जीता है, तो ये तो क्लियर है। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो जेवलियन थ्रोअर, क्या जेवलियन थ्रोअर। देखिए जेवलियन थ्रोअर क्या होता है, भाला फेंको, ऐसे उठाया बस फेंक दिया भाला, तो भाला एकदम पूरे पावर में फेंका जाता है, कुछ दूर दौड़ के आता है, एक लाइन रहता है उस लाइन को पार नहीं, उस लाइन से पहले ही अगर लाइन आप टच करते हैं तो आप असिलेक्टेड माने जाते हैं, यानी आप छट जाइएगा वहीं पे। तो लाइन के अंदर से ही फेंकना पड़ता है काफी दूर, अगर जिसका भाला जितना दूर गया तो वो सिलेक्टेड माना जाता है, जो सबसे दूर फेंका जाता है। तो ये क्या नीरज चोपड़ा क्या किया कि सबसे अधिक दूरी फेंके, इसलिए इनको स्वर्ण पदक मिला। उसमें देखिए नीरज चोपड़ा है, इनको एक बार अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो उस टाइम में क्या था कि ये इतना फेमस नहीं था इसलिए इनका नाम कोई नहीं ठीक से जानता था, बट अब देखिए अर्जुन पुरस्कार जो इनको मिला था 2018 में, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कब 2018 में इनको क्या किया गया था कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओलंपिक खेल में भारत कुल कितने पदक जीते हैं, देखिए ये नहीं कह रहे हैं कि इस बार कितने जीते हैं, अभी तक जितने भी ओलंपिक में भाग लिए हैं भारत वो अभी तक स्वर्ण पदक जो होता है वो कितना जीता है, तो वह स्वर्ण पदक कितना, 10 जीता है स्वर्ण पदक, क्या हुआ है स्वर्ण पदक 10 जीता है। उसका देखते हैं नीरज चोपड़ा क्या थे कि आर्मी में थे, तो ये आर्मी कब ज्वाइन किए, तो 2016 में क्या किया, ये आर्मी ज्वाइन किए थे नीरज चोपड़ा, आर्मी में ही है, और वहां से ये अपना खेल का भी रुचि रखते थे तो खेल का भी तैयारी करते थे। ओलंपिक लोगों में कुल कितने छल्ले होते हैं, देखते रहिएगा कि ओलंपिक लोगों में इस प्रकार छल्ले होते हैं,
क्या होता है कि इस प्रकार छल्ले होते हैं, तो इसमें कितने 5 छल्ले होते हैं। 5 छल्ले का मतलब क्या है कि सब जितने भी महादेश हैं सबको दर्शाया गया है, क्या है कि सब महादेश को दर्शाया गया है, सब महादेश 5 महादेश। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक शुरू करने का श्रेय किन्हें जाता है, पीरे डी क्वाट्रिनियन इनको जो ओलंपिक खेल है उनको शुरुआत करने का श्रेय जाता है। उसके बाद पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो देखिए ये बहुत मायने रखा जाता है कि पहले खेल का ओलंपिक का जो शुरुआत में हुआ था उस कौन सी जगह पे आयोजित किया गया था, तो वो जगह एथेंस है। एथेंस यहाँ क्या था, ग्रीष्मकालीन यानी आयोजन किया गया था। ओलंपिक खेल को शुरुआत कब हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेल का शुरुआत कब किया गया था। तो ओलंपिक खेल का कब शुरुआत किया गया था, 6 अप्रैल 1896 में किया गया था, इसका शुरुआत किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे, जो इस बार जो खेल हुआ है इस बार 2020 का टोक्यो ओलंपिक, इसमें जो सम्मान समारोह जैसे वहां पे जो होता है ना, तो उसमें उद्घाटन जो होता है तो उसमें ध्वज लेके जाता है, तो भारत का ध्वज मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये दो व्यक्ति हैं जो भारत का ध्वज वाहक थे, ध्वज लेके उसका जो हमारे भारत का जो झंडा है उसको लेके चल रहे थे। तो ध्वज वाहक अगर पूछे तो मैरी कॉम और मनप्रीत, ये क्लियर है। ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ, 6 अप्रैल 1896 पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ, एथेंस। ओलंपिक खेल का शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, ये क्वेश्चन दोस्तों वीवीआई है, इसे आप जरूर याद करके रखिएगा। क्या है ये वीवीआई है, पीरेडी क्वेटिन। ओलंपिक खेल में लोगों का छल्ला मतलब समझ गए, सभी महादेश का। नीरज चोपड़ा आर्मी कब ज्वाइन किया, 2016 में क्या किया, नीरज चोपड़ा आर्मी ज्वाइन किया। ओलंपिक खेल में भारत अब तक कुल कितने पदक जीत चुके हैं, अब तक तो 10 पदक। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ था नीरज चोपड़ा कब, 2018 में। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो ये भी पूछा जाता है, जेवलिन थ्रोअर मतलब भाला फेंक, ये भी याद रखिएगा भाला फेंक। नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। इनका कोच कौन था, नसीम अहमद। माता सरोज देवी, पिता सतीश कुमार और जन्म स्थान पानीपत जो कहाँ है, हरियाणा में है। जन्म इसका कब हुआ था, 24 दिसंबर 1996 को इनका जन्म हुआ था, 1997 को इनका जन्म हुआ था। नीरज चोपड़ा है, इनको बहुत सारे यानी जीतने के बाद बहुत सारा ये जीतने का तो रिकॉर्ड बनाए, साथ में एक और रिकॉर्ड न्यू बनाया जो कि ये 12 घंटा में इनका फॉलोअर्स 1 मिलियन हो गया, यानी 1 मिलियन बढ़ गया 12 घंटा के अंदर। जब ये जीता तो सबको मालूम चला, तो उस टाइम इनका फ्लोर 12 घंटा में 1 मिलियन पहुंच गया, और हरियाणा सरकार इन्हें 6 करोड़ रुपया अनुदान दिया है, और बहुत सारे इस प्रकार लगभग देखा जाए तो 15-16 करोड़ रुपया हो जाता है। महिंद्रा अपना CXV 700 एक कार गिफ्ट दिया, वहीं इंडिगो 1 साल बोला फ्री यात्रा करिए मेरे हवाई जहाज में, जितना यात्रा करना है। तो दोस्तों पहले इसका आप शॉर्टेज कीन लीजिए, तो चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ये हम नहीं कहते कि आप मेरे चैनल को लाइक ही करिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उस स्टूडेंट के भी पास पहुंच जाए जो तैयारी करता हो। तो नेक्स्ट वीडियो आप सबको किस चीज पे चाहिए, अगर इस वीडियो के और कुछ भी जानकारी आपको लेना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, वहां से आपका हम जवाब दे देंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए जय हिंद।